देश की अर्थव्यवस्था पर लगातार खड़े होते सवालों का आर्थिक सर्वे के जरिए सटीक जवाब मिल गया। बजट से ठीक एक रोज पहले देश की माली हालत का लेखा जोखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे के बहाने पेश किया। इसमें कुछ राहत देने वाली बातें सामने आई हैं, तो परेशान करने वाले संकेत भी इसमें मौजूद हैं। लबलुआब ये है कि मौजूदा स्थिति में देश की आर्थिक हालत ज्यादा दुरुस्त नहीं दिखाई देती। सर्वे में अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर दिखाई गई है, उसके हिसाब से 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। पिछले 5 साल में देश की औसत जीडीपी ग्रोथ 7.5% रही है। भारत को कारोबारी साल 2025 तक $5 अरब की इकोनॉमी बनाने के लिए 8% की रफ्तार से विकास करना होगा। जीडीपी को बढ़ाने के लिए निवेश और खपत में तेजी लाने पर काम करने की जरूरत सर्वे में जताई गई है। कारोबारी साल 2019-20 में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का अनुमान बताया गया है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक बीते साल राजकोषीय घाटा 5.8% था। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर का बड़ा योगदान है। इस सेक्टर की सुस्ती सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है। देश के 65% लोगों को रोजी रोटी मुहैया कराने वाले कृषि सेक्टर को बढ़ाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आर्थिक सर्वे में साफ साफ कहा गया है, कृषि सेक्टर में मंदी का असर ग्रोथ पर दिख रहा है। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ को लेकर काफी ऑप्टिमिज्म, काफी बॉयंसी बनती है। वहीं कुछ और डेटा है जो थोड़ी निराशा देता है। इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ की बात करें, 7% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब ग्लोबल स्लोडाउन के इस वक्त में, यूएस चाइना ट्रेड वॉर के इस वक्त में, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ मात्र 2.8% एक्सपेक्ट की जा रही है। कृषि के अलावा अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले बैंकिंग सेक्टर को रफ्तार देने के लिए बैंकिंग सिस्टम का दुरुस्त होना भी जरूरी है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि एनपीए बढ़ने से बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव है। एनपीए की समस्या सरकारी बैंकों में ज्यादा है। निवेश दर में गिरावट का दौर थम चुका है। इंडस्ट्री की क्रेडिट ग्रोथ में रफ्तार आई है। 2018 की दूसरी छमाही से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती दिख रही है। एनबीएफसी की लेंडिंग में कमी से ग्रोथ पर असर पड़ा है। एनबीएफसी की लेंडिंग में कमी से ऑटो बिक्री गिरी है, लेकिन सीमेंट उत्पादन और स्टील की खपत बढ़ी है। ऐसा भी नहीं है कि हर मोर्चे पर आर्थिक सर्वे में मायूसी हाथ लगी है। इससे इकोनॉमी को जो अच्छा संकेत मिला है वो है कंस्ट्रक्शन ग्रोथ। इस क्षेत्र की ग्रोथ में तेजी आती दिख रही है। कंस्ट्रक्शन में सुधार से आईआईपी ग्रोथ बेहतर हुई है। सीमेंट, फाइनेंस और सर्विसेज की ग्रोथ 7.4% रही है। पिछले 4 साल में एफडीआई निवेश में भी तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो और केमिकल्स में एफडीआई निवेश में बढ़त हुई है। एमएसएमई को कर्ज देने की रफ्तार भी बढ़ी है। आर्थिक सर्वे में साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए कुछ सेक्टर्स को बूस्टर डोज की जरूरत है। लोगों को ये नहीं लग रहा है कि कौन सी एनबीएफसी अच्छा करेगी या कौन सी एनबीएफसी रुक जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो गवर्निंग अथॉरिटीज है या गवर्नमेंट, इस इश्यू को रिकॉग्नाइज करें और इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए, जैसे अमेरिकन मार्केट्स में या बाहर के मार्केट में स्ट्रेस टेस्ट की जाती है इंस्टीट्यूशन का, उस तरह से स्ट्रेस टेस्ट करके अच्छे और बुरे इंस्टीट्यूशन में फर्क जो है, या चूज कर दे कि ये अच्छे इंस्टीट्यूशन है ये बुरे इंस्टीट्यूशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब अगले 6 साल तक देश की आर्थिक ग्रोथ 8% से कम न हो। इस वक्त देश के आर्थिक हालातों को देखते हुए ये लक्ष्य पहाड़ सा नजर आता है। हम बहुत कुछ FDI अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है उसको भी नीचे लाना चाहिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एज वेल एज ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए। खासकर ये ध्यान रखते हुए कि US में कॉर्पोरेट टैक्स काफी नीचे किया गया है। बजट से एक दिन पहले पेश हुए आर्थिक सर्वे से साफ साफ पता चलता है कि इकोनॉमी के मोर्चे पर कई दिक्कतें मौजूद हैं। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार वित्त मंत्री कृषि और रोजगार देने वाले सेक्टर्स पर मेहरबान रह सकती है। आज तक ब्यूरो।